भाई को भाई से अलग करती है तो कभी बाप को बेटे से जुदा करती है। जितनी मर्जी वफादारी निभा लो लेकिन सियासत कहां किसी से वफा करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। राजनीति के लिए कहा जाता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें भाई भाई का सगा नहीं, बेटा बाप का सगा नहीं और माँ बेटे की सगी नहीं। अब भारत की राजनीति के इतिहास को ही उठाकर देख लीजिए, ये इस बात की जोरों शोरों से गवाही देता है कि राजनीति में कोई भी किसी का सगा नहीं है। यहाँ का हाल तो ऐसा है साहब, जैसे जैसे राज्य बदलता है वैसे वैसे यहाँ के राजनेता अपना धर्म बदल लेते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हर पार्टी के नेता वोट बैंक को साधने में धर्म तो ऐसे बदलते हैं जैसे अपने कपड़े बदल रहे हों। धर्म का सहारा लेना तो हर नेता के लिए आम सी बात हो गई है। अब इन जनाब को ही देख लीजिए, कहने को तो ये हिंदू है लेकिन जब ये मुस्लिम बहुमूल इलाके में जाते हैं तो ये मुस्लिम बन जाते हैं, जब ये हिंदू बहुमूल इलाके में जाते हैं तो ये जनाब जनेऊधारी बन जाते हैं, वहीं अगर ये पंजाब जैसे क्षेत्र में जाते हैं तो ये सिख बन जाते हैं। ऐसे ही इन जनाब पर भी एक नजर डाल लीजिए, पंजाब में जाते ही ये सिख पगड़ी पहन लेते हैं, वहीं वोट बैंक के लिए जब ये मुस्लिम बहुमूल इलाके में मलेरकोटला गए थे तो इन्होंने मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए मुस्लिम भेष भी अपना लिया था। कहा जाता है कि सिखों की पगड़ी उनकी शान होती है, पगड़ी को एक बार पहन लिया तो पूरे सम्मान के साथ ताउम्र उसको अपनाना पड़ता है। पंजाब में सिख वोटर्स को साधने के चक्कर में हिंदूवादी सोच रखने वाले पीएम मोदी भी वोट बैंक के लिए अपना धर्म भूल बैठे। वहीं अफगानिस्तान में भी जब पीएम मोदी गए तो स्थानीय सिखों के भेष में नजर आए, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि देश में भाजपा विरोधी गुट को या किसी भी पार्टी का समर्थन ना करने वाले गुट को लेफ्टिस्ट का नाम दे दिया जाता है, तो धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं को किस नाम से नवाजा जाए। भारत की राजनीति में एक उसूल पर करीब करीब सभी नेता चलते हैं, वो है मजहब नहीं सिखाता वोटों से बैर रखना। मजहब के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं को आप क्या नाम देंगे हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।